Good morning. Today, myself, Mrs. Rashmi Damol from NCMS Jhabua, and I am here to teach science of class 3rd. Here, we will see our last chapter of term 1, that is chapter number 7, housing and clothing. And in this chapter, we have to see types of houses, or good and clean houses, clothes and fibers, clothes that suit the weather. Houses. आपने पढ़ा हुआ है हाउसेस कितने तरह के होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेम्प्रेरी हाउस, टाइप्स ऑफ हाउसेस आपको मालूम है. तो अपन आज वही देखेंगे. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज टाइप्स ऑफ हाउसेस. टाइप्स ऑफ हाउसेस कितने तरह के घर होते हैं. पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अ हाउस कैन बी बिग और स्मॉल, कच्चा और पक्का, टेम्प्रेरी और परमानेंट. हाउसेस कई तरह के होते हैं. बड़ा हाउस भी होता है, बिग और स्मॉल. इट इज़ बिग और स्मॉल, कच्चा और पक्का. कच्चा हाउस भी आपने पढ़ा हुआ है, कच्चा हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, मड एंड स्टिक्स, ये सबसे वो बनता है. एंड पक्का हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड रॉड्स लाइक दिस, इन सब चीज़ों से पक्का हाउस बनता है. टेम्प्रेरी हाउस विच इज़ मेड अप मेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए जो हाउस को बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं टेम्प्रेरी हाउस. परमानेंट हाउस जिनको कि हम हमेशा के लिए बना करके रखते हैं, जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं. तो इन दिस वी हैव सीन फर्स्ट वन इज़ द कच्चा हाउस. कि कच्चा हाउस क्या है. अ कच्चा हाउस इज़ बिल्ट विथ मड, स्ट्रॉ एंड स्टिक्स. इट कैन बी ईजली डिस्ट्रॉयड बाय हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स. अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कच्चा हाउस. कच्चा हाउसेज आर मेनली सीन इन द विलेज. अब कच्चा हाउस इज़ बिल्ट बाय मड, स्ट्रॉ एंड स्टिक. कच्चा हाउस जो है वो मड से बनता है यानी कि मिट्टी से, स्ट्रॉ घास फूस और स्टिक्स यानी कि क्या बोलते हैं लकड़ियों से बनता है. इट कैन बी ईजली डिस्ट्रॉयड, वो ईजली डिस्ट्रॉय हो जाता है, आसानी से वो टूट सकता है बाय हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स. इनसे क्या होता है, कच्चा हाउस ईजली डिस्ट्रॉय हो सकता है. कच्चा हाउस का एक अच्छा एग्जाम्पल है हट, जो कि हमको ईजली दिखता है, जो हम देख सकते हैं विलेजेस पे. विलेजेस में कच्चा हाउस कॉमनली पाया जाता है. द नेक्स्ट वन इज द पक्का हाउस. सेकेंड वन इज द आवर टॉपिक इज पक्का हाउस. पक्का हाउस इज बिल्ट विथ स्टोन, सीमेंट, रॉड्स एंड ब्रिक्स. पक्का हाउस जो है वो इन चीज़ों से मिल करके बनता है, स्टोन, सीमेंट, रॉड्स एंड ब्रिक्स से. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस एंड कैन विथ सैंड हार्श वेदर. और ये जो है ये हार्श वेदर में भी खड़ा रहता है, मतलब ख़राब से ख़राब मौसम में भी ये घर में कोई नुकसान नहीं होता, ये खड़ा रहता है. बिल्डिंग बंगलोस, कॉटेजेस एंड अपार्टमेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस. और पक्का हाउस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, बिल्डिंग्स, बंगलोस, कॉटेजेस एंड अपार्टमेंट्स, ये सारे पक्का हाउस के एग्जाम्पल्स हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द टेम्प्रेरी हाउस. अब हम आगे देखेंगे कि टेम्प्रेरी हाउस क्या है. पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस use temporary houses to live in. Karwan, tent, yurt are some examples of temporary houses. लोग जो कि यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, मतलब एक जगह स्थिर, एक शहर में ही नहीं रहते, वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, इस तरह से घूमते हैं, उनके पास जो हाउस होता है वो टेम्प्रेरी हाउस होता है. और इसके एग्जाम्पल्स है टेम्प्रेरी हाउस के, कारवान यानी कि मूविंग हाउस, जैसे कि किसी गाड़ी में आप घर बना करके रहते हैं, इसको हम कारवान बोलते हैं. टेंट, इस तरीके के टेंट लगा करके जो लोग रहते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टेम्प्रेरी हाउस के. फिर नेक्स्ट वन इज़ द परमानेंट हाउस. अपन देखेंगे कि परमानेंट हाउस क्या है. पीपल हु लिव एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लिव इन परमानेंट हाउसेस. अपार्टमेंट, कॉटेज एंड बंगलोज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस किसको बोलेंगे, जिसमें कि लोग परमानेंटली बहुत लंबे समय तक उस घर में रहते हैं, उस घर को हम बोलते हैं परमानेंट हाउस. और परमानेंट हाउस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कॉटेज, बंगलो आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउस. देन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लेसन इज अ गुड एंड क्लीन हाउस. अब हम देखेंगे, अभी तो हमने देखा टाइप्स ऑफ हाउसेस कौन कौन से थे, अब हम देखेंगे कि एक अच्छा और साफ घर हम किसको बोलेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द वेदर बिग और स्मॉल, अ हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी. अ गुड हाउस शुड गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट. घर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा,
पर उसको हमेशा साफ और हवादार होना चाहिए. अ गुड हाउस शुड गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट. और उस घर पे बहुत सारी बाहर से फ्रेश एयर आनी चाहिए और सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए. ऑल द रूम्स इन द हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज टू लेट द सनलाइट एंड फ्रेश एयर. सनलाइट कीप्स द रूम फ्री फ्रॉम जर्म्स. किसी जिस घर में डोर्स और विंडोज होते हैं और उससे सनलाइट प्रॉपरली घर के अंदर आती है तो क्या होता है, उस घर में जर्म्स नहीं रहते, क्योंकि क्या, सनलाइट जर्म्स को मार देता है. वायर नेटिंग शुड बी फिक्स्ड ऑन द विंडो फ्रेम्स एंड डोर्स टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे. दे ऑल्सो अलाउ सनलाइट एंड एयर टू कम इन. और दरवाज़ों और खिड़कियों में क्या होना चाहिए, नेटिंग यानी कि जालियां लगी हुई होनी चाहिए. उससे क्या होता है, मॉस्किटोज यानी कि मच्छर और मक्खी हमारे घर के अंदर एंटर नहीं कर पाते और इनसे सनलाइट और एयर इजीली आ जाता है. देर शुड बी एन ओपन स्पेस सच एज वरांडा और कोर्टयार्ड. दिस प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड फॉर अदर्स टू enjoy फ्रेश एयर. और एक घर में हमेशा वरांडा या कोर्टयार्ड होना चाहिए. उससे क्या होता है, बच्चे जो हैं उस घर के उसमें खेल सकते हैं और फ्रेश एयर को enjoy कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज द कीपिंग द हाउस क्लीन. अब हम देखेंगे कि एक घर को कैसे क्लीन किया जाता है. टू स्टे हेल्थी वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस एंड इट्स अराउंडिंग क्लीन. द हाउस शुड ऑलवेज बी केप्ट free from dust and germs. Some ways to keep the house clean are given below. हमको हेल्दी रहने के लिए, हमको स्वस्थ रहने के लिए हमारा जो सराउंडिंग है, हम जहाँ रहते हैं वो सारा कुछ क्लीन होना चाहिए. और उसके लिए हमको सबसे पहले हमारे घर को क्लीन करना ज़रूरी है. और the houses should always be kept free from dust and germs. और हाउसेस को जब हम क्लीन करेंगे तो वो किससे फ्री हो जाएगा बेटा, किसको हम अलग करेंगे, जर्म्स को अलग करेंगे, हमारे घर के अंदर जो जर्म्स हैं उनको, और जो धूल डस्ट जो है उससे हम उसको हम अलग कर देंगे. इधर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम किस तरह से अपने घर को साफ रख सकते हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस. पहला चीज़ हाउस क्लीन करने का क्या है, ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस. जो भी इस घर का सामान है वो एक अपनी सही जगह पर होना चाहिए. द फ्लोर शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे. और जो फ्लोर है हमारे घर का, जो फ्लोर है उसको हमेशा रोज झाड़ू और पोछा लगना चाहिए. द किचन शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड द फूड शुड बी कवर्ड. हमारा जो किचन है उसको रेगुलरली साफ करना चाहिए और जो हमारा खाना बनता है उस खाने को हमेशा ढक करके रखना चाहिए. द डोर्स विंडोज एंड द फर्नीचर शुड बी डस्टेड रेगुलरली. देयर शुड बी कर्टन्स फॉर डोर्स एंड विंडोज टू कीप द डस्ट अवे. अब जो हमारे घर के डोर्स और विंडोज हैं और फर्नीचर जो है उनको डस्टिंग रेगुलरली करते रहना चाहिए उनकी. और डोर्स और विंडोज़ में कर्टन्स यानी कि पर्दे होने चाहिए जिससे कि क्या हो कि डस्ट जो है वो हमारे घर के अंदर ना आ सके. देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ द वॉश बेसिन्स बाथरूम्स एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन डेली. और हमारे घर के जो वॉश बेसिन हैं, बाथरूम हैं और टॉयलेट्स हैं, इनको रोज़ धोना चाहिए. हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इनसाइड डस्टबिन. डस्टबिन शुड बी kept covered to keep our house flies and mosquitoes. Dustbin कैसा, हमारे घर में जो भी, हमारे घर का जो भी कचरा है उसको हमको हमेशा डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए. और डस्टबिन कैसा होना चाहिए, कवर्ड डस्टबिन होना चाहिए. उससे क्या होगा, मॉस्किटोज और फ्लाइज अंदर नहीं आएंगे. देन द सेवेंथ पॉइंट, इफ देर आर पेट्स एट होम देयर लिविंग प्लेस शुड बी क्लीन रेगुलरली. अगर हमारे घर में पेट्स हैं यानी कि कुछ हमने कोई पेट पाला हुआ है, कोई जानवर हमने पाला हुआ है, तो उसका जो जहाँ वो रहता है वो जगह को रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लेसन इज क्लोथिंग एंड फाइबर्स. नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हमारा वो है क्लोथिंग एंड फाइबर्स. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन्स हीट रेन कोल्ड डस्ट एंड इंसेक्ट. क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स. फाइबर्स कैन बी मेड नेचुरल और मैनमेड.
क्लोथ्स, कपड़े हम क्यों पहनते हैं, क्या ज़रूरत है कपड़े पहनने की? ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि क्लोथ्स हमको किस चीज़ से बचाता है? हीट, सन्स हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट और इंसेक्ट, ये सारी चीज़ों से हमको जो क्लोथ है वो प्रोटेक्ट करते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स, और ये जो क्लोथ है बेटा ये बहुत पतले पतले धागों से मिल करके बनता है, पतले पतले धागों को एक साथ कर देते हैं तो एक क्लोथ फॉर्म होता है और उसको हम बोलते हैं फाइबर। फाइबर्स आर टू टाइप्स ऑफ, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, वो नेचुरल फाइबर भी हो सकता है या फिर मैनमेड फाइबर भी हो सकता है। फर्स्ट वी विल सी नाउ द नेचुरल फाइबर, हम नेचुरल फाइबर किसको बोलेंगे? फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, वो फाइबर जो हमको प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से मिलता है उस फाइबर को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल है हमारे नेचुरल फाइबर के कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। नेचुरल फाइबर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं कॉटन, जूट, वूल और सिल्क। देन द सेकेंड वन इज फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन, अब हम देखेंगे कि वो फाइबर जो कि हमको प्लांट्स से मिलते हैं वो कौन से हैं। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट, इट इज़ यूज्ड टू मेक कॉटन क्लोथ्स सच एज साड़ी, शर्ट, ट्राउजर्स एंड स्कर्ट। पहला वो प्लांट फाइबर जो हम मिलता है वो कौन सा है? कॉटन। और कॉटन कैसे मिलता है हमको? कॉटन प्लांट से मिलता है। और कॉटन प्लांट से जो कॉटन फाइबर हमको मिलता है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं? साड़ी बनती है कॉटन की, कॉटन का शर्ट बनता है, कॉटन के ट्राउजर्स और स्कर्ट वगैरह ये सब हमको मिल जाता है। फिर हमारा सेकेंड जो है प्लांट फाइबर वो कौन सा है? जूट फाइबर। जूट, जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट, और जूट हमको कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है। इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ एंड अदर आइटम्स सच एज बैग, मैट एंड रोप। और जूट फाइबर से हम क्या क्या बना सकते हैं? क्लोथ्स तो हम बनाते ही हैं, साथ में हम जूट फाइबर से बैग बना सकते हैं, मैट बना सकते हैं और रोप भी बना सकते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तो हमने देखा कि प्लांट फाइबर्स किसको बोलेंगे, अब हम देखते हैं कि एनिमल्स जो, वो फाइबर्स जो हमको एनिमल्स से मिलता उसको कैसे करते हैं। वी गॉट वुल फ्रॉम शीप, वुल इज यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स। फर सम एनिमल्स सच एज सिल्वर फॉक्स इज यूज टू मेक वार्म क्लोथिंग लाइक कोट्स एंड स्वेटर्स। अब पहला सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा एनिमल फाइबर का वो है वुल। आपको पता है वुल हमको कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है वुल हमको? शीप से मिलता है, हम शीप से वुल को लेते हैं और वुल से हम क्या बनाते हैं? वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। हमारे जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हमको वुल से बनाते हैं। इसी तरह से कुछ हमारे गर्म कपड़े जो होते हैं वो हम फर के भी पहनते हैं, कुछ फर्स के, तो वो भी एनिमल से ही मिलता है हमको। जैसे कि सिल्वर फॉक्स एक एग्जाम्पल है, इसके फर से हम क्या बनाते हैं? वार्म क्लोथ्स बनाते हैं। और उससे एग्जाम्पल्स क्या हैं? कोट्स और स्वेटर्स। We get silk from silkworm. The silkworm weaves a cocoon around it. A silk thread is obtained from the cocoon. Silk threads are woven into saris and scarves. अब थर्ड हमारा एनिमल फाइबर क्या है? Silkworm. Silk. थर्ड हमारा जो एनिमल फाइबर है वो है सिल्क। पहला जो था हमारा वूल, सेकेंड जो है हमारा सिल्कवॉर्म। अब हम देखेंगे सिल्कवॉर्म क्या चीज़ है। सिल्कवॉर्म एक कीड़ा है जो कि क्या करता है, अपने चारों तरफ ऐसे धागे जैसा बना करके रखता है जिसको हम बोलते हैं कोकून, कोकून बोलते हैं। और इससे हमको क्या मिलता है? सिल्क थ्रेड मिल जाता है, सिल्क फाइबर हमको मिल जाता है। और इस सिल्क फाइबर से हम क्या बनाते हैं? साड़ीज बनाते हैं और स्कार्फ्स बनाते हैं। नाउ वी विल सी द मैन मेड फाइबर्स, हमारे मैन मेड फाइबर्स किसको बोलते हैं। फाइबर्स मैन्युफैक्चर्ड बाई ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, वो फाइबर जो कि ह्यूमन बनाते यानी कि इंसान बनाता है, वो फाइबर जिसको कि इंसान बनाता है यानी कि मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड द मैन मेड फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई द मैन। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स, और मैन मेड फाइबर को ही हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। Examples of man-made fibers are polyester and nylon. और example क्या है man-made fiber के? Polyester है और nylon है। Then the next topic,
क्लोथ्स दैट सूट द वेदर. अब कपड़े हम जो पहनते हैं, हम एक से कपड़े नहीं पहनते बेटा. ठंड के दिनों में हम कुछ अलग कपड़े पहनते, बारिश में हम कुछ और कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में हम कुछ और कपड़े पहनते. तो अभी हम वही देखेंगे कि वेदर के अनुसार हम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं. द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर डिपेंड्स ऑन द वेदर. इन हॉट और वार्म वेदर पीपल मोस्टली वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स ऑब्जॉर्व वेरी लिटिल हीट ऑफ द सन एंड कीप द बॉडी कूल. गर्मियों में हम हमेशा कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं. कॉटन के कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. कॉटन लाइट कलर के कपड़े हम पहनते हैं. वो क्यों हम पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लोथ जो होता है वो क्या करता है, लाइट जो है वो कम एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, और हीट जो है, जो गर्मी है उसको वो दूर रखता है और हमारी बॉडी को कूल कर रखता है. द सेकेंड वन, इन कोल्ड वेदर पीपल वेयर डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी हीट एस्केप. डार्क कलर्ड क्लोथ्स ऑब्जॉर्व द सन्स हीट एंड कीप द बॉडी वार्म. इसी तरह से जब ठंड आती है तो ठंड में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स यानी कि स्वेटर्स, शॉल्स, इस तरीके के कपड़े हम पहनते हैं. और वो क्यों हम पहनते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो गर्मी है उसको बाहर जाने नहीं देता, हमको वो ठंड से बचाते हैं वो कपड़े. और वुलन क्लोथ्स मोस्टली हम डार्क कलर के पहनते हैं. क्यों? क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को वार्म रखता है. द नेक्स्ट वन इज द पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड स्नोई प्लेसेस वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर टू कीप देमसेल्फ्स वार्म. और वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्फीले जगहों पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहते हैं, वो काहे के कपड़े पहनते हैं, फर से बने हुए कपड़े को पहनते हैं. देन ड्यूरिंग रेनी सीजन पीपल वेयर क्लोथ्स ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल्स विच डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर. दिस क्लोथ्स ड्राई अप क्विकली. वी वेयर रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन. अब रेनी सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वाटर प्रूफ मटीरियल के कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े जो गीले नहीं हो सके. आप अपने रेन कोट्स को देखिए, अगर आप अपने रेन कोट्स पहनते हैं और भरी बहुत तेज बारिश में भी आप जाएं तो आप अंदर से गीले नहीं होते. क्यों? क्योंकि वो जो रेन कोट है वो आपको बचाता है. वाई? इट इज़ अ वाटर प्रूफ मटीरियल. वो वाटर प्रूफ मटीरियल से बना हुआ है. और ये जो कपड़े रहते हैं ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं. हम बारिश में रेनकोट्स को यूज़ करते हैं, हमारे अम्ब्रेलास को यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट करता है रेन से. रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास आर मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक विच इज़ वाटरप्रूफ. रेनकोट और अम्ब्रेला कैसे बने हुए होते हैं, रबर मटेरियल से बनते हैं या फिर वो प्लास्टिक मटेरियल से मिलकर के बनते हैं, जो कि हमको बारिश से बचाते हैं और हमको गीले होने से बचा लेते हैं. हियर आवर चैप्टर इज ओवर. इधर हमारा चैप्टर ओवर होता है. इधर पे हमने इस लेसन में हमने कई तरीके के फाइबर्स पढ़े, मैनमेड फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, और वो कहाँ से मिलते हैं हमने वो देखा. फिर हमने टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ा, कितने तरीके के हाउसेस होते हैं, हाउ वी कैन क्लीन आवर हाउस, और वो क्यों ज़रूरी है, ये सब हमने देखा. और इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी, आपको नोट्स कॉपी बनानी है क्योंकि नोट्स कॉपी में 10 मार्क्स हैं. और अब आपका टर्म वन एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी करिए. और जितना पढ़ाया फर्स्ट लेसन टू सेवेंथ लेसन तक सारा कुछ आना है, तो उसकी तैयारी आप कर लीजिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.